स्टूडेंट आ रहे हैं, आवाज आ रही है। जी सर, तो लास्ट टाइम क्या किया था? सर मेरे ख्याल से रीडिंग की थी और कुछ। अच्छा, मैं बुक ओपन करता हूँ, इसके अलावा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर आपने शीट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला सेंड किया था और वो कह रहे थे हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे। सही। पेंट की फाइल शेयर हो रही है। ये देखें, एक ब्लॉक हमारे पास आ गया फ्रंट व्यू के लिए, एक ब्लॉक है टॉप व्यू के लिए और एक ब्लॉक है साइड व्यू के लिए। ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। फ्रंट व्यू हमेशा शो करता है हाइट और लेंथ को, टॉप व्यू शो करता है विड्थ एंड लेंथ, और ये हमारे पास इसको शो करता है हाइट और विड्थ। ठीक है, अब आप देखें हर व्यू हमारे पास दो डायमेंशन शो कर रहा है। हमारा पर्पस यही था कि आपका 3D जो है उसको आइसोमेट्रिक व्यू को आप किस पे कन्वर्ट करते हैं, टू डायमेंशन। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि 3D जो है उसको अब टू डायमेंशन, अभी आप देखें हर व्यू जो आपकी टू डायमेंशन शो कर रहा है। तो फ्रंट व्यू ऑलवेज शोज हाइट लेंथ, टॉप व्यू ऑलवेज शोज विड्थ लेंथ, और साइड व्यू शोज हाइट एंड विड्थ। ठीक है, लेट से ये हमारे पास डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है और ये भी मेरे पास क्या है, ए। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है हॉरिजेंटली इसको हम कहते हैं बी है, ये भी बी है तो
और ये भी हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दिस कि हाउ कैन यू कैलकुलेट ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस। आप ए और बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपने ए कैलकुलेट करना है तो वाई माइनस एच प्लस डब्ल्यू, डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। और अगर बी कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस लेंथ प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय थ्री। तो आप देखें, आप ए और बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ विड्थ हाइट आपको हर ऑब्जेक्ट की गिवन होगी। तो दिस इज कॉल्ड शीट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बॉक्सेस। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में वर्टिकली डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में हॉरिजेंटली डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास कहलाता है शीट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। सर दरमियान में एक्स वाई लाइन लगाना जी, एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन। हाँ, एक्स वाई लाइन वो लाइन है जो बॉर्डर बनाने के बाद है, ठीक है। बॉर्डर को एक्सक्लूड करें तो आपने शीट के ऊपर, स्केच बुक के ऊपर जो डिस्टेंस है वो हमने, तो यही है वर्किंग एरिया है हमारा, उसको हम कह रहे हैं एक्स और वाई वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ पे आपके पैनल है, ठीक है। यानी पैनल से ऊपर वाला डिस्टेंस जो आपका वाई है। तो ये हमारे पास शीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, लेकिन अब मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेट्स से ए आपके पास आ रहा है 10 मिलीमीटर, तो आपने ये 10 मिलीमीटर, ये भी 10 होना चाहिए और यहाँ पे भी ए 10 होना चाहिए। बी आ रहा है लेट्स से 20, तो ये 20 आप डिस्टेंस छोड़ दें, फिर लेंथ छोड़ दें, फिर 20 डिस्टेंस छोड़ दें और फिर ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके, अदरवाइज क्या होगा, एक बॉक्स कहीं और होगा, दूसरा बॉक्स कहीं और होगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो ये तो भाई शीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था, ठीक है। नेक्स्ट आज हमने यू ब्लॉक देखना है, शीट का ना यू ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली मीटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, बच्चे एक दूसरे को रिमूव कर रहे हैं, मुझे दो बार रिमूव किए किसी ने। करता हूँ मैं। चले लगा दी हूँ, अब नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट आप देखें, अच्छा
पेज नंबर 20 है और इसके ऊपर हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ के है फ्रंट व्यू और टी टॉप व्यू है और एस हमारे पास क्या है साइड। तो फ्रंट टॉप एंड साइड जो है वो हमेशा मैं इंडिकेट करूंगा ताकि आपका काम जो है वो यूनानिमस रहे, ठीक है। ये नहीं कि कोई बच्चा कहीं और से व्यू बना रहा है, कोई बच्चा कहीं और से व्यू बना रहा है, ठीक है, इस तरह नहीं। ये आपने अगर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है तो सारे स्टूडेंट यही फ्रंट व्यू लेंगे, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू है। तो फ्रंट व्यू मैंने अभी आपको क्या बताया था, कौन से डायमेंशन शो करता है, लेंथ एंड हाइट। तो इसका क्या मतलब है, लेंथ कितनी होगी इधर, अगर ये लेंथ और हाइट शो कर रहा है फ्रंट व्यू तो लेंथ क्या होगी, 3.5 इंच। 3.5 इंच और हाइट क्या होगी, 1/3/4 इंच। ठीक है, 1/3/4। तो सेकंड आप देखें टॉप व्यू क्या शो करता है, टॉप व्यू क्या शो करता है, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ, तो विड्थ हमारे पास क्या होगी फिर इसकी, लेंथ तो 3/1/2 हो गई, तो विड्थ क्या होगी, 4 इंच। ठीक है, विड्थ हमारे पास 4 इंच, इसका मतलब हमें 3 डायमेंशंस मिल गई है ना, लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, शीट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो जब शीट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज करेंगे तो आप बॉक्सेस बना सकते हैं ना, आप हम बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि बॉक्सेस के अंदर क्या होगा, लेट से हमें फ्रंट व्यू का बॉक्स आ गया, टॉप व्यू क्या आ गया, साइड व्यू का, बॉक्स के अंदर क्या होगा, बॉक्स के अंदर आपने प्रोफाइल बनाना है, बॉक्स के अंदर आपने सिर्फ बकायदा आउटलाइन बनानी है बॉक्स, या फिर सिंपल एक हल्की सी लाइन शो कर देंगे बॉक्स। क्या कह रहे हो, बॉक्स की आउटलाइन बनानी है, जस्ट बॉक्स की आउटलाइन बनानी है, और आउटलाइन के अंदर अच्छा, हाँ जी आप बोलें। ब्लॉक की क्या पूछे थे, आउटलाइन, क्वेश्चन क्या पूछे थे, ब्लॉक की आउटलाइन के बारे में कुछ पूछ रहे थे।
यस सर, वो पूछ रहा था कि आउटलाइन बनानी, तो आपने बताया था हाँ बनानी समझ आ गई। हाँ जी, हमने जो है ना सिर्फ आउटलाइन बनानी है, और आउटलाइन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रोफाइल बनानी है, फ्रंट व्यू में क्या बन रहा है, टॉप व्यू में क्या बन रहा है, और साइड व्यू में। अब आप देखें, मैं आपको ये यानी ये देखें, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, बुक शेयर हो रही है। यस सर, आप ये देखें, इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ये तो आपको चल गया, लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको इंडिकेट किया जाए कि आपने फ्रंट व्यू कौन सा लेना, टॉप व्यू कौन सा लेना, साइड व्यू। सेकेंड स्टेप ये कि आपने डायमेंशन गैस करनी है, वो लेंथ, विड्थ, हाइट भी आपको पता चल गई है, ठीक है। थर्ड आपने क्या करना, प्रोफाइल बनाना है। अब आप ये देखें, जब आप यहां से देख रहे हो तो आपको क्या प्रोफाइल क्या नजर आ रहा है, यानी आपको ये चीज नजर आ रही है ना, ये कर्वेचर, ये ब्लॉक पूरा, यानी रेक्टेंगल टाइप, उसके अंदर ये प्रोफाइल नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये प्रोफाइल बना दिया है, ये देखें, ये भी फ्रंट व्यू इधर बना है, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। और टॉप व्यू में क्या बना हुआ है, ठीक है। ये प्लान है, ठीक है, प्लान किसको बोलते हैं, टॉप व्यू को। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करना है, फ्रंट व्यू कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में आपको ये प्रोफाइल नजर आ रहा है, तो अब ये ब्लॉक के अंदर आप ये प्रोफाइल बना देंगे, वो जो आपने फ्रंट व्यू के लिए ब्लॉक बनाया ना, उसके अंदर ये प्रोफाइल बना देंगे। और टॉप व्यू के लिए जो ब्लॉक बनाया है, उसके अंदर ये जो नीचे प्लान वाला प्रोफाइल है वो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टॉप व्यू कंप्लीट करना है, फ्रंट व्यू है, प्लान है, साइड व्यू और एंड व्यू, ठीक है। तो आप ये देखें, इसने सारा प्रोजेक्शन से बना के दिखाया, नंबर वन है तो ये आपका फ्रंट व्यू है, टू हमारे पास क्या है, साइड व्यू है, और थ्री हमारे पास उसने शो किया हुआ है, टॉप व्यू है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो अब हम उन ब्लॉक्स के अंदर, मैं पेंट की फाइल दोबारा शेयर करता हूं, ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। अब इसमें आप देखो, आपने फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है।
अच्छा ये देखें, ये शेयर किया है मैंने, ठीक है, डायग्राम पेंट की फाइल। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, प्रोफाइल बनाना है। ये देखें, ए बी सी ए बी अब आप ये देखो, ये ए बी डिस्टेंस जो है बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है, ये 1 इंच, ठीक है, और ये कितना गिवन है, 1/2 इंच, ठीक है। ये 1 इंच हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास इंच शो नहीं हो रही जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर, ठीक है। तो आप ये देखें, आपने ब्लॉग के अंदर प्रोफाइल बना दिया, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपने ये प्रोफाइल बना दिया। अब ये एक ब्लॉक तो आपके पास मेन तो था हमारे पास, ठीक है, मेन ब्लॉक था हमारे पास, उसके अंदर आपने ये, इसके अंदर आपने ये नहीं प्रोफाइल बना दिया फ्रंट व्यू का। आप देखें ये प्रोफाइल जो है, अगर मैं इसको यहां से रेज करूं, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, और यहाँ पे आपने उसकी लेंथ शो कर दी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डायमेंशनिंग। ठीक है, तो ये आपने जो लाइन लगानी है, ये 10 mm की लगानी है, ठीक है, इसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं, और सेंटर से ये ब्रेक करना वाले डायमेंशन आपने पुट कर देना, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, डायमेंशन इधर पुट कर देनी, ये ओवरऑल इसको बोलते हैं डायमेंशनिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं, यानी एरो के साथ और प्रोजेक्शन लाइन के साथ आपने डायमेंशन पुट करनी है, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनिंग, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक ब्लॉक बनाया फ्रंट व्यू का और उसके अंदर प्रोफाइल बना दिया। सेम प्रोफाइल आप देखें तो आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है। टॉप व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है, टॉप व्यू में आपको, आप बुक से देखें टॉप व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है। मैं अभी बुक नहीं इधर ओपन कर सकता, वो फिर पेंट की फाइल मुझे, या पहले बुक शेयर कर देते हैं, ठीक है।
आप ये देखिए टॉप व्यू में आप क्या कर रहे हो, आप लाइंस को प्रोजेक्ट कर रहे हो, और कितनी लाइंस हैं ब्लॉक के अंदर, टॉप व्यू के ब्लॉक के अंदर कितनी लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं टॉप व्यू के ब्लॉक के अंदर? फोर लाइंस है ना, कितनी लाइंस है? फोर, ठीक है। अब फोर लाइंस जो है वो हमने क्या करना है, इसका क्या मतलब है, आपने एक लाइन जो है वो बी से ड्रॉ कर देनी नीचे, एक लाइन आपने डी से ड्रॉ कर दी, एक लाइन आपने सी से ड्रॉ कर दी, और एक लाइन अगेन बी से ड्रॉ। तो ये आपने फोर लाइंस हैं वो ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक में, और इसको बाय पार्ट्स आपने डायमेंशनिंग के जरिए शो कर दिया। इसको आपने किससे शो किया, बाय पार्ट्स डायमेंशन को शो कर दिया। आपने लेंथ को कंप्लीट शो किया, एक दफा आपने लेंथ विड्थ लेंथ विड्थ और हाइट को कंप्लीट शो करना है, और यहाँ पे हमने क्या किया, बाय पार्ट्स शो कर दिए। तो ये कितना होगा, वन इंच, ये हमारे पास होगा हाफ इंच, ये भी हमारे पास हाफ इंच है, और ये हमारे पास क्या है, वन इंच, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेफ्ट ओवर डायमेंशन लिख दे, ये आपके पास साइड व्यू है। साइड व्यू में क्या करना है, ये ए बी की लाइन आ जाएगी सर जी। डायमेंशनिंग का दोबारा बता देंगे, 10 mm की कौन सी लाइन लगानी, 10 mm की ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये जो हमने ये लगानी, और इसके दरमियान हमने एरो लगाना है, दरमियान से ब्रेक करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और सही 2H से लगानी है, ये सारा को 2H से करना। ये देखें, ये इसको बोलते हैं डायमेंशनिंग, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये ए बी के पैरेलल लाइन तो आ गई साइड व्यू में, ठीक है। एक लाइन और लगानी है, वो कौन सी लाइन होगी, वो जरा मुझे बताएं, मुझे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को समझ आइए कि नहीं। एक तो लाइन हमने साइड व्यू देखे ना आप बुक से, तो आपको क्या चीज नजर आ रही है साइड व्यू में, आपको साइड व्यू में क्या चीज नजर आ रही है? साइड व्यू में आप लोगों को क्या चीज, कौन सी लाइन नजर आ रही, बुक से देखें फिर मुझे बताएं। कौन सी लाइन नजर आ रही है, रेंज की लाइन नजर आ रही है, एक और लाइन नजर आ रहा जो कि हिडन है वो नजर नहीं आ रही,
और हिडन पार्ट्स को आप ब्रोकन लाइन से शो करते हैं, वो ये वाली लाइन है जो आपके सी डी के पैरेलल है, उसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन। ये बिल्कुल उसके नीचे, ठीक है, ये जो 1 inch के ऊपर है ये वाली लाइन हिडन लाइन है, और जो 7/16 के पैरेलल है यानी ए के, वो ये लाइन है ये वाली, और सी डी के पैरेलल जो लाइन है वो हमारे पास ये वाली, ठीक है, सी डी के। तो ये आपने इस तरह, तो ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आपने बाय पार्ट्स डायमेंशन जो कर दी। तो इस तरीके से हमारी शीट जो है वो हम कंप्लीट किया करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेट करूंगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, उसके बाद आपने लेंथ विड्थ हाइट देखनी है, लेंथ विड्थ हाइट के बाद आपने ब्लॉक्स बनाने शीट डिस्ट्रीब्यूशन करके, और उसके बाद ब्लॉक्स के अंदर प्रोफाइल बनाना है, जो भी जो फ्रंट व्यू में नजर आ रहा है, जो टॉप व्यू में नजर आ रहा है, जो साइड व्यू में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाया करेंगे, फ्रंट व्यू। उससे फिर हमारे पास इजी हो जाता है लाइंस को प्रोजेक्ट करना, ठीक है। तो आपने ये शीट जो है देखनी है, ठीक है, और इसको सारा कंप्लीट करना है। सर आपने विड्थ नहीं शो की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में, जरूरत नहीं है क्या विड्थ? नहीं, विड्थ एक ही दफा साइड व्यू में शो कर दी है ना, यानी आपने कोई डायमेंशन रिपीट भी नहीं करनी, आपने कोई डायमेंशन रिपीट भी नहीं करनी, जस्ट आपने वंस टाइम ही लेंथ विड्थ हाइट शो करनी है, और उसके अलावा आपने लेंथ मैंने दोबारा शो की है लेकिन वो बाय पार्ट्स शो की है, ठीक है। आप देखें बार बार नहीं, हमने सेम रिपीट नहीं की डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना जो भी शीट है उसको हमने कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम वाली शीट आपकी कंप्लीट हो गई कि नहीं? शीट नंबर 1-2 कंप्लीट है कि नहीं? जी सर कंप्लीट है। सही। सर जी, सर मेरी शीट नंबर 1 में कंप्लीट है, सर 2 में ना शादी थी घर में तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो सर मैंने वो कंप्लीट कर लिया, तो वो मैं आपको सबमिट कहाँ पे करवाऊँ? जी सर मेरे घर में सर शादी थी तो शीट नंबर 2 में कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो सर वो मैं आपको, आप ऐसा करो ना उसका इमेज शेयर कर दो सर, इमेज चाहे मैं सर शीट नंबर 3 के साथ कर दूंगा। हाँ ऐसा कर दो। आपके रोल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं सर? 51 से स्टार्ट होते हैं, 201 तक। तो आपने ये शीट जो है ना बड़ा डिटेल में देखनी है, इसको कंपेयर करना है जिस तरह मैंने समझाया है ना, कहाँ तक है 92, कहाँ तक है आपके रोल नंबर्स? सर 51 से स्टार्ट होते हैं, बाकी 90 तक हैं, और फिर 197 से फॉरनर्स हैं, 201 तक। 197, 198 और 199, 200। जी सर, अपने रोल नंबर्स लिखते हैं,
और कोई रहता है टेंडर्स वाला? एब्सेंट भी देख लें, मुझे काइंडली शीट नेम बता दें। शीट नेम है, शीट नंबर 3 है, यू ब्लॉक, शीट का नाम है यू ब्लॉक। एक्सक्यूज मी सर, सर ये 61 मीटिंग में है लेकिन इसने चैट में मार्क नहीं की अटेंडेंस। 61 जी, हारिस रियाज। ठीक है, चैट में क्यों नहीं की? पता नहीं सर। ये सारे बच्चे एब्सेंट हैं, इसलिए मैं चैट में लिखवाता हूँ ताकि प्रेजेंट रहे। और कोई तो चैट में हो और अटेंडेंस ना लगवाइए। सही बच्चे एब्सेंट है जिनका आपने रोल नंबर लिखा? ये एब्सेंट है जिनके मैंने रोल नंबर लिखे। ओके सर। ठीक है, आप लोग ये कंप्लीट करें और आप अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे शेयर कर लेना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी फिर मैं बता दूंगा। ठीक है।